Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is our reaction video. Reaction किस बात पे जो मैंने community डाली है उस बात पे एक reaction है. थोड़ा सा detail मैं आप लोग को बता दूँ क्योंकि कुछ लोगों को बड़ी गलत फहमी हो गई कि दिव्या बहुत डर गई है ना. क्यों, क्या, कैसे हुआ वो मैं आपको आज पूरा इस वीडियो में बताती हूँ. इसको एक अपडेट समझ लीजिएगा. इसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आएगा. मैं शिफ्टिंग में बहुत बिजी हूँ और जब भी मैं बिजी होती हूँ ना तो मेरे ट्रोलर्स को लगता है आप इसको बहुत परेशान करो. देखो मैं परेशान होने वालों में से नहीं हूँ. मैं इतनी सेफ और सिक्योर करके चलती हूँ अपने को कि आप लोग सोच भी नहीं सकते. आप लोगों की हर बदतमीजी रिपोर्टेड है. ठीक है, आगे बताऊंगी डिटेल कि क्या होता है और कैसे होता है ताकि इन लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अब चीजें बहुत सीरियस होने वाली है. मैं मिलती हूँ आपसे अपने छोटे से इंट्रो के बाद. तो क्या होता है, कई बार आप चीजों को अवॉइड कर देते हो. ठीक है, मेरी बहुत ही ज्यादा ट्रोलिंग की जा रही थी और मैंने एक भी जवाब नहीं दिया. ये ट्रोलिंग करीब 7 महीने काफी सारी महिलाओं ने मिलकर की थी. इन सभी के नाम की, इन सभी के चैनल के URL के साथ मैंने रिपोर्ट की हुई थी और ये रिपोर्ट कुछ 31 पन्नों की बन गई थी. इतनी बड़ी थी क्योंकि ट्रोलिंग भी बहुत 7-8 महीने पहले चली थी. एक एक वीडियो डाउनलोडेड है मेरे लैपटॉप में, एक एक स्क्रीनशॉट मेरे पास सेव रखा हुआ है. उसके बाद क्या हुआ कि किसी तीसरे को लाया गया और बोला गया कि हमें सॉरी बुलवाओ. सॉरी बुलवाओ इसलिए उस वक्त क्यों ये सब हरकत की गई, क्योंकि मैं उस वक्त भी अपनी वेकेशन पे थी. मैं गोवा में थी, राइट. तो क्या हुआ कि मेरे घर के छोटे छोटे बच्चा, मतलब आप लोगों को पता है ना शिवाय छोटा सा है, अभी 2 साल का होने को है, उसके नाम की गंदी आईडी, मेरी माँ के नाम की गंदी आईडी, मेरे हस्बैंड के पीछे तो ये लोग नहा धो के पड़ी आएंगे जिनके हस्बैंड किसी काम के नहीं है या उन देखते नहीं है कि इनकी बीवियां क्या कर रही हैं सोशल मीडिया पे, गंदगी मचा रही, किसी के हस्बैंड के पीछे नहा धो के पड़ी हुई है. तो ऐसी सब गंदी गंदी आईडी जो आज मैंने कम्युनिटी पे डाली है, ये सब होने लग गया, बहुत ज्यादा होने लग गया. मैं गोवा में थी, मुझे लगा चलो यार अगर एक सॉरी बोलने से सारी चीजें शांत हो सकती है तो मैंने सॉरी बोल दिया. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलतफहमी हो गई कि दिव्या किसी से डर गई है. तो सुनो, डरती मैं सिर्फ भगवान से हूं, पहली चीज है ना. और अगर शांति बनाने के लिए मैंने सॉरी बोला था, ये सोच के बोला था कि अब चीजें सॉर्ट आउट हो गई है, खत्म करो. और वो 31 पन्ने की कंप्लेंट का क्या हुआ वो भी बता देती हूँ. ये बोला गया था कि अभी शांति है तो अभी हमें उस पर एक्शन नहीं लेना है. ठीक है, ये गोवा की ट्रिप के बाद हुआ. लेकिन सभी की, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, सभी की जानकारी के लिए एक चीज बताऊंगी कि वो कंप्लेंट कभी भी ओपन होगी अब तो वो FIR बनेगी. माइंड इट, FIR बनेगी. सबसे पहले NC लेती है पुलिस कि हाँ आपने हमको बता दिया कि आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा, अगर ये कंटिन्यू रहती है तो ये FIR बनेगी. और जिनको लगता है कि मैंने किसी से बात नहीं की, किसी से बात नहीं की, ये लोग मेरे घर तक गए, इन्होंने मेरी भाभी को ट्रोल किया, बहुत गंदे तरीके से ट्रोल किया, वो सारे स्क्रीनशॉट सब कुछ पुलिस के पास है. ठीक, और उन्होंने ही एक इंटरव्यू में वहां के बहुत बड़े सीनियर ऑफिसर से इस चीज का जिक्र किया हुआ है. तो ऐसा नहीं है कि मैं मजाक कर रही हूं, लेकिन हर चीज जब आप पुलिस के पास जाते हो ना तो पुलिस ही आपको बोलती कि आप चुप रहो, आपको कोई जवाब नहीं देना है. इसलिए मैंने 7 महीना ट्रोलिंग झेली है. डरती मैं किसी से नहीं हूं. अब ये हो गया है कि जो आईडी मैंने पोस्ट की, नीचे मुझे कुछ ऐसे कमेंट दिखे हैं कि मुझे पता चला नहीं अगला शांत नहीं है भाई, अगले को तो दीवा मंत्रा से अभी तक प्रॉब्लम है. वो दीवा मंत्रा जिसने 7 महीने गाली सुनी और एक शब्द नहीं बोला क्योंकि मुझे पुलिस वालों ने बोला था आप चुप रहेंगी. मैं अभी तक चुप हूं, मैं अभी तक चुप हूं. मैंने आगे क्यों नहीं बढ़ाई कंप्लेंट, क्योंकि मुझे बोला गया था कि आप एक बार यहां पर विजिट करिए. ठीक, और मैं विजिट नहीं कर पा रही, मेरे पास 2 कुत्ते हैं, मेरे पास और भी पेट्स हैं. ठीक है, मैं नहीं जा सकती उन्हें छोड़ करके, बहुत मुश्किल हो जाती है. और यहां से वो शहर बहुत ज्यादा दूर पड़ता है, समझ रहे हैं आप, वो दूर पड़ता है. लेकिन अब सब चीजें पास होने वाली हैं, सब चीजों का एक्सेस होने वाला है. यहां से पुलिस स्टेशन भी बहुत दूर है और बहुत ही आइसोलेटेड रोड है. ठीक है, हाईवे है पूरा. तो मैं हाईवे पे बाइक लेकर के उतनी दूर नहीं जाना चाहती. ठीक है, इसलिए मैं अपनी तरफ से काफी शांत हो गई. लेकिन मेरे ख्याल से शराफत का कोई यहाँ पे मोल है नहीं. कहते हैं ना लातों के भूत जो होते हैं ना, बातों से नहीं मानते साले. तो अब ऐसा है
कि चीजें बहुत बड़ी होने वाली हैं, क्योंकि अब पानी मेरे सर के ऊपर से गया। ये औरतें इतनी वाहियात हैं कि जो इंसान सोशल मीडिया पे नहीं है, ना मैं व्लॉगर हूं, ना कुछ ना कुछ ना कुछ, बस फोटो एक बार, सब लोग पूछ रहे हैं ना फोटो कहां से मिली इनको, फोटो मैंने YT पे पोस्ट की थी और उस दिन से ये औरतें ऐसी पीछे पड़ी हैं उस फोटो के, उठा उठा के ऐसी गंदी गंदी IDs। क्यों? तुम लोग के घर में मां बाप ने तमीज नहीं सिखाई? हाँ, बकवास करने के लिए अगर सोशल मीडिया पर आई हो तो वो आईडी रखनी चाहिए थी, डिलीट क्यों की? इतना ही दम था, बस टेंशन ना लो, पता चल जाएगी वो आईडी किसने बनाई है ना, गूगल दे देगा तुम्हारा घर का एड्रेस बेटा। क्योंकि जब चैनल बनाते हैं ना तो फोन से वेरीफाई होता है, आपको पूरा एड्रेस पता चल जाता है, फिर आपको एड्रेस डालना होता है, तभी आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ठीक, वीडियो भले ही आपका 2 सेकंड का क्यों ना हो, आप कहीं पे भी कमेंट तभी कर सकते हैं जब आप अपना चैनल वेरीफाई कर सकते हैं। ये क्यों करता है गूगल? ताकि आप जैसे लोगों को पकड़ा जा सके, ठीक है। और ये गूगल के पास एक लेटर जाता है पुलिस डिपार्टमेंट से एड्रेस के लिए, वो लेटर ऑलरेडी जा चुका है किसी के लिए, है ना, और सारी चीजें आ चुकी हैं। अब ये आईडी जिसने बनाया है, वहां पे मुझे कोई ऐसा दिख गया है जिसकी मुसीबतें अब मैं बढ़ाऊंगी, क्योंकि अब बहुत शांत बैठ ली है। लोगों को लगता है ना कि अगला शांत बैठ गया तो डर गया होगा या कुछ कर नहीं सकता, है ना। बहुत सी चीजें टाइम ना होने से नहीं हो पाती है, ठीक है। मैं मुंबई में रहती हूँ, मुझे यहाँ से कहीं ट्रैवल करने के लिए बहुत देर तक अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन जब वो दूसरी सिटी करीब हो तो मुश्किल बहुत आसान हो जाती है ना। और क्या होता है कि ऐसी कंप्लेंट्स जब आप किसी वकील के थ्रू सारी चीज़ें करवाते हो तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट एक्शन हो जाता है ना। तो अब वो होगा क्योंकि कंप्लेंट तो ऑलरेडी है और उसमें कुछ एक का नाम नहीं है, कईयों के नाम है। तो अब उन कईयों को मेरा हाथ जोड़ के मेरे तरफ से ऑलरेडी बहुत बड़ा सॉरी है कि अगर आप लोग शांत भी होंगे तो, क्योंकि आपके ग्रुप में से कुछ लोग शांत नहीं है, अब सब लपेटे में आ सकते हैं। हालांकि मेरा टारगेट एक ही है, 7 महीने अगर कोई चुप बैठा है ना तो चुप वो इसलिए बैठा है क्योंकि उसको अथॉरिटीज ने बोला है कि आप जवाब मत दो, और अथॉरिटीज की सुन करके मैं यूं बैठी थी, सबकी गाली खा रही थी, सब्सक्राइबर्स को लग रहा था डर गई, डरती सिर्फ भगवान से हूं और किसी से नहीं। और अब जिंदगी में याद करोगे कि किसको ट्रोल करना कितना आसान होता है, लेकिन जब एक्शन होता है तो जिंदगी कितनी खराब हो जाती है, ये याद रखोगी। क्योंकि अब तो मैं भैया लाखों डाल दूंगी, बट आई मेक श्योर कि ये औरत, इस औरत के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन हो और इसकी फोटो अखबार में आए थोबड़े के साथ यू, ठीक है। बहुत हो गया। और एक और चीज बता दूं, मेरा फोन अगर चेक किया ना, एक भी फेक आईडी नहीं निकलेगी, किसी के पति के नाम की बनाई हुई आईडी नहीं निकलेगी, किसी के पति को गाली देते हुए मेरी कोई भी वीडियो नहीं निकलेगी, है ना। अब ये बोलेंगे कि तुम भी तो लोगों के पति को, नहीं, लोगों के पति जब आकर के सोशल मीडिया पे दूसरी औरतों को 4 गाली सुनाते हैं ना, तब मैं उसके ऊपर रिएक्शन देती हूँ और कहती हूँ ये गलत है, ठीक। माइंड इट, इट्स टू मच। मेरी ट्रोलिंग को रोकने के लिए मैं अकेली काफी हूं, मुझे दूसरे तीसरे चौथे यूट्यूबर का साथ नहीं चाहिए। मुझे किसी से सॉरी बोलने और बुलवाने के लिए भी किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में बहुत केपेबल हूं और अब आपको दिखेगी कि कितनी केपेबल हूं। आप बहुत सावधान रहिए अब, क्योंकि आपकी लिमिट सारी क्रॉस हो गई है, मैंने कभी जवाब दिया नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज अ वार्निंग, टेक इट एज अ रिक्वेस्ट, इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है कि आप इसको क्या समझ रही हैं। लेकिन हाँ, इस बार सेटलमेंट कोई नहीं है, देयर इज नो सेटलमेंट, बिकॉज अब पानी सर के ऊपर से गया, ठीक। बहुत हो गया। एक इंसान जो सोशल मीडिया पे नहीं है, उसके नाम की उसके फोटो लगा के एक गंदी आईडी बनाई जाती है और ऐसा दिखाया जाता है कि वो दूसरी औरतों को जाके सोशल मीडिया पे छेड़ रहा है। आपको पता है ना कितना बड़ा ऑफेंस है? बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर गाइस, आई विल सी यू सून। मैं पैकिंग कर रही हूं, मेरा घर पूरा फैला हुआ है और ये औरतें इतनी नीच हैं कि ये मुझे तभी परेशान करती हैं जब मैं बहुत बिजी रहती हूँ। और आप लोगों को पता है कि मैं बिजी हूँ, इसलिए मैं कम्युनिटी भी नहीं डाल पा रही हूँ, इसलिए मैं
मतलब वीडियोस भी नहीं बना पा रही हूँ। और ये आईडी कैसे आ गई मेरी नजर में, किसी ने मुझे कमेंट किया कि साइक्लोन ने रील्स डाले हैं, तो मैं जस्ट देखने गई और मैं जस्ट कमेंट पढ़ने गई क्योंकि कमेंट काफी इंटरटेनिंग होते हैं उधर, तो मुझे ये आईडी नजर आ गई और ये मुझे किसी ने बताया नहीं है। ये सारी चीजें मैंने खुद निकाली, और जब मैं खुद निकाल के एक कम्युनिटी डालती हूँ ना, उसके पहले मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती हूँ। इस औरत को बताना चाहती हूँ जिसने ये आईडी बनाई, तू इतनी डरपोक जब तू है तो तू ऐसे काम मत कर, क्योंकि ये जो तूने किया ना आईडी डिलीट करके, ये प्रूफ है कि तुझे पता है कि तू नीचता कर रही है, तू मक्कार औरत है, तू घटिया है, तेरे अंदर दम नहीं है। दम है तो बना फिर से, सेम आईडी बना, सेम वीडियो डाल, समझ में आई? जो करती हूँ ना यहाँ पे, अपना मुंह लेकर आती हूँ और डंके की चोट पे करती हूँ, डरती नहीं हूँ किसी से। तुम लोग की तरह नहीं कि किसी को परेशान करने के लिए उसके फैमिली मेंबर का फोटो यूज करो। फोटो यूज करना पता ना कितना बड़ा क्राइम है, और उसके ऊपर से डिफेम करना, अरे वाह भैया वाह, गजब। मतलब अब तो मुझे वकील भी करना पड़ेगा। ठीक है, मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी गाइस, बाय, टेक केयर। मेरा थोड़ा सा दिमाग I can see